हूँ फ्रेंड, मैं फातिमा अंग्रेज। आज आपके लिए मैं चिकन शामी कबाब की टिक्का लेकर आई हूँ फ्रेंड, जिसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है। फ्रेंड देखिए, मैंने इसे बड़े बड़े पीस में इसको काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चने की दाल को फ्रेंड ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा है। और यहाँ पर हम एक चम्मच हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे फ्रेंड। ये चार हरी मिर्ची है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने 3 सूखी खड़ी लाल मिर्ची भी ली। मिर्ची आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं फ्रेंड, नमक भी आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर हल्दी 1/2 टीस्पून है, नमक स्वाद अनुसार है फ्रेंड। यहाँ पर जीरा 1/2 टीस्पून है, सौंफ यहाँ पर 1 चम्मच है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, बाकी मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको ये बनाने में ईजी रहे। अभी पहला स्टेप ये होगा, हम इन सब चीज़ों को बॉयल करेंगे एक साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सबसे पहले इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसी के अंदर हम चने की दाल को भी फ्रेंड ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है फ्रेंड, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब इसके अंदर फ्रेंड हमने यहाँ पर ये ग्रीन चिली ली, ये भी ऐड कर देंगे फ्रेंड। यहाँ पर जो हमने सूखे मसाले लिए फ्रेंड, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर हम 1 चम्मच फ्रेंड इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम 1 चम्मच इसके अंदर फ्रेंड हम ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी ऐड करेंगे। और इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करके अब फ्रेंड हम इन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इतना बॉईल करेंगे फ्रेंड कि हमारी जो चिकन है, ये चिकन और ये दाल हमारे अच्छी तरह से गल जाए। ये फ्रेंड हमने पूरा इसमें आधा ये गिलास पानी डाला, बस इतने में पानी हो जाएगा। हम इसको पहले बॉईल आने थोड़ा बॉईल आ जाएगा ना फ्रेंड, जब तक हम इसे तेज पर रखेंगे, फिर हम इसकी स्लो कर देंगे। हम 10 मिनट स्लो पर पकाएंगे ना फ्रेंड, तो चने की दाल और चिकन दोनों गल जाएगा। चने के अंदर बॉईल आ चुका है। फ्रेंड हम क्या करेंगे फिर देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूंगी। देखिए थोड़ा सा 1 या 2 घूंट के आसपास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम फ्रेंड इसको कवर करके पहले हम 5 मिनट तेज पे रहने देंगे, फिर इसका ये स्लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम इसको 5 मिनट तेज पे रख के फिर हम गैस स्लो कर देंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अभी इसकी हीट तेज पे ही है, अभी हमने इसको तेज पे रखा है। 5 मिनट हम इसको तेज पे रखे, फिर हम इसका गैस स्लो रखे, 10 मिनट हम इसको स्लो पे पकाएंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमें तेज पे रखे 5 मिनट हो गए फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसकी हीट को हम स्लो कर देंगे फ्रेंड, और इसको 10 मिनट तक हम इसको स्लो पे होने देंगे। उसके बाद हम इसको खोल के और चेक करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हम इसको ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चेक करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अभी भी इसमें इतना पानी है। हम एक बार दाल को चेक कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमारी दाल कितनी इजीली, अब हम फ्रेंड इसको गैस को इजीली ये फ्रेंड हो रही है, देखिए गल गई है। अब हम इसको तेज करेंगे फ्रेंड, वरना फिर दाल ज़्यादा गल जाएगी। हम इसको तेज फ्रेंड इसका हम सारा पानी हम इसका ड्राई कर लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये हमारा इसका पानी पूरा हमने ड्राई कर दिया है फ्रेंड, ये पूरा सूख चुका है। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसको एक बॉल में निकाल के इसको ठंडा करके फिर हम इसको इसका क्या कहते हैं इसको पेस्ट बनाएंगे, इसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। सॉरी फ्रेंड, अब हम इसको बॉल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे फ्रेंड। अच्छी तरह से भी ठंडा हो जाएगा ना फ्रेंड, फिर हम इसको चॉपर में इसको पीसेंगे फ्रेंड। देखिए हमारी दाल भी चिकन मसाला सब कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी है फ्रेंड। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड ये हमारे चिकन का मसाला ठंडा हो गया, हमने इसको छोटा तोड़ लिया ताकि मिक्सर में पीसने में आसानी रहे। और देखिए फ्रेंड हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर एक और छोटा ऑनियन लिया फ्रेंड, और हमने इसको बिलिस्ता बना लिया। आप चाहे तो फ्राई रेडीमेड जो ऑनियन आते ना फ्रेंड, आप वो भी ले सकते हैं। वो भी हम इसके अंदर ऐड करके फ्रेंड हम इसको साथ में ही ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने चॉपर लिया है फ्रेंड, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम इसको पीस लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये हमने इसमें चॉपर में डाल दिया, हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसको पीस। देखिए फ्रेंड हमने इसको पीस लिया है फ्रेंड। अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए 1/2 टीस्पून से भी कम इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड। और यहाँ पर जो हमने धनिया और पुदीना फ्रेंड बारीक बारीक चॉप करके लिया फ्रेंड, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड चिकन का जो होता है ना टी शामी का, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट रहता है। जो हम मटन बीफ का बनाते हैं ना फ्रेंड, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट रहता है। पर दोनों ही माशाल्लाह खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपको चिकन का भी बनाया है और मटन का बीफ का इंशाल्लाह आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। रेसिपी अपलोड कर रखी है मैंने, और एक नई दूसरी तरह से मैं एक और भी लेके आऊँगी, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करूँगी फ्रेंड। और फ्रेंड हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बॉल हम इसको उठाएंगे फ्रेंड, और ऐसे हाथ में इसको अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके फ्रेंड ये हम इसकी टिक्किया बनाएं। और टिक्किया फ्रेंड देखिए आपके ऊपर है, आप छोटा बनाना चाहे, आप बड़ा बनाए, आप मोटी बनाए, चपटी बनाए फ्रेंड, ये आपके ऊपर है। हम इसको ऐसे बनाएंगे फ्रेंड, और अच्छी तरह से हम टिक्किया का इसको शेप देंगे। बस देखिए फ्रेंड फिर क्योंकि हम इसको, आप चाहे तो फ्रेंड इसको अंडे में भी डीप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको बिना अंडे के भी फ्रेंड आप इसको बना सकते हैं।
देखिए फ्रेंड, ये हम थोड़ा सा घुमा देंगे ना फ्रेंड, तो देखिए इसका कितना कैसा टेस्ट, अभी पहले कैसे थी फ्रेंड और अभी देखिए कैसे बन गई। मैं आपको एक और इंशाल्लाह बना के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमने हाथ में इसे ये लगाया, बैटर लिया। अब देखिए फ्रेंड, अभी ये कैसा इसका शेप है। अभी हम इसको थोड़ा सा बस ऐसे घुमा देंगे ना फ्रेंड, तो बिल्कुल इसे बाजार में नहीं टिक्कियाँ मिलती फ्रेंड, देखिए ऐसा शेप आ जाएगा। देखिए ये एक एक करके फ्रेंड हम ये देखिए सारे ऐसे बना लेंगे फ्रेंड। और मैं यहाँ पर फ्रेंड ये आधे फ्राई करूँगी और आधे में फ्रोजन कर दूंगी, क्योंकि फ्रेंड बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सुबह सुबह बहुत ईजी होता है। ब्रेड के अंदर या पाव के अंदर इसको आप इसको लगा के सैंडविच बना के दे देते फ्रेंड। देखिए मैं ऐसे ही करके मैं सारे को बना लूंगी। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह हमारी सारी टिक्किया बन के हमने रेडी कर दी। अब फ्रेंड इसमें से हम थोड़ी अभी फ्राई करेंगे और थोड़ी हम फ्रोजन करके रखेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब हम हमारी शामी टिक्किया को, जो चिकन की शामी टिक्किया, उसको हम फ्राई करेंगे फ्रेंड। पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे फ्रेंड, और थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर, आप चाहे तो गरम मसाला ऐड करें, आप चाहे तो काली मिर्ची, हम ब्लैक पेपर ऐड करें फ्रेंड। और थोड़ा सा फ्रेंड हम यहाँ पर एक चम्मच हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे फ्रेंड। आप पानी ऐड करेंगे ना फ्रेंड, आप यकीन करिए आपका अंडा इतना फ्लफी बनेगा। जब आप आमलेट ही बनाए ना फ्रेंड, तो उसके अंदर एक या दो चम्मच आप इसमें पानी ऐड करिए फ्रेंड, उससे बहुत, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए फ्रेंड। एक से दो मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना, आपका अंडा बहुत फ्लफी बनेगा फ्रेंड। ये हम अच्छे से उसको मिक्स करेंगे फ्रेंड, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमने अंडे में डीप किया। अब फ्रेंड हमने यहाँ पर ऑयल गरम करा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसमें देखिए फ्रेंड कितना अंडा डालते, कितना फ्लफी हुआ फ्रेंड। आप ऐसे पानी डालेंगे ना फ्रेंड, तो बहुत अच्छा ही फ्राई होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये हमने तीन पीस डाले, क्योंकि हमारा फ्राई पैन छोटा है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमारी एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गया, इसकी साइड चेंज कर देंगे फ्रेंड। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा अंडा फ्लफी हुआ, देखो 2 मिनट भी नहीं लगे फ्रेंड ये हमारी टिक्किया फ्राई हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह हमने फ्राई कर लिए। आप प्लीज फ्रेंड, आप ये आप इसको नींबू के साथ या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको टिक्किया को बनाइए फ्रेंड, और पाव में ब्रेड के अंदर बना के उसको सैंडविच, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जब बनाऊंगी ना बच्चों को टिफिन की, तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी दूंगी फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी, टेस्ट भी खाने में। देखिए फ्रेंड, ये भी गर्म है फ्रेंड, आप खाए फ्रेंड, इसे खाइए फ्रेंड, तो इसको जरूर ट्राई करिए, बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करते फ्रेंड, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।